मेरे लास्ट वीडियो में मैंने मेरा किट बैग खोल के किट बैग के अंदर का सारा सामान आपको दिखाया, उसमें से थे मेरे बॉलिंग स्पाइक्स। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपके बॉलिंग स्पाइक्स पे आगे ये होल क्यों है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन स्पाइक्स को मैंने क्यों काटा और अगर आपको ज़रूरत है तो आप कैसे कर सकते हो। मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्नेहल। और इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेट टिप्स के लिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाना। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे किट बैग के अंदर मेरे शूज है, शूज में एक होल है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो इस वीडियो के बाद मैं लिंक करूंगी, पर आज मैं बताऊंगी कि क्यों बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के शूज में हम ये होल देखते हैं। आप भले अच्छे क्वालिटी के ब्रांडेड शूज इस्तेमाल करते होंगे, शूज सारे एक समान हो जाते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं, मगर हर इंसान के फीट अलग है, अलग साइज के हैं। इसलिए भले कभी कभी जब भले आपका शू अच्छे से आपको फिट होता है, कभी कभी टो और आपके शू के फ्रंट के टोस के बीच में एक गैप होता है और इसके वजह से दिक्कत आ सकती है। एज अ फास्ट बॉलर आप रन अप में पूरी एनर्जी इकट्ठा कर करके बैट्समैन की ओर जाते हो, मगर डिलीवरी स्ट्राइड में आखिरी स्टेप जब आप लेते हो तो वो एनर्जी पूरी रुक जाती है, रोक के उस एनर्जी को बॉल पे ट्रांसफर की जाती है। तब एग्जैक्टली क्या होता है देखना। जब आप आखिरी स्टेप लेते हो तो शूज अच्छे स्पाइक्स होने की वजह से जमीन में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, मगर आपकी एनर्जी आपको आगे ले जाती है और इसलिए आपका टो अंदर से यहां पे ऐसे आगे लगता रहता है। तो अगर आपने दिन में 10 ओवर डाले तो 60 बार आपका टो शूज के अंदर ही आगे लग रहा है और इसकी वजह से काफी तकलीफ हो सकती है। मुझे खुद नेल्स की काफ़ी तकलीफ हो गई थी, जो टो नेल था वो ऑलमोस्ट मर गया था, निकालना पड़ा, नया टो नेल आया और जब वो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब मैंने शूज़ में होल किया। तो इसलिए फास्ट बॉलर्स के शूज़ में होल्स होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपको भी दिक्कत हो रही है तो आप ये कैसे कर सकते हो, और काफ़ी आसान है। अगर आपको ज़रूरत है तो ही आपके स्पाइक्स ऐसे काट के ख़राब करना, मगर अगर आपको लग रहा है ज़्यादा बढ़ने मत देना, तुरंत ही आगे होल बना के उसको थोड़ा सा रिलीफ देना। स्पाइक्स पैरों में पहन के तय करना कि आपका टो एग्जैक्टली कहाँ पे आता है, एग्जैक्टली कहाँ पे लगता है। जब आपने ये चीज़ कंफर्म की है तो एक मार्कर लेके आपके टो की एरिया मार्कआउट करना। अब इसके आगे आपको ये शूज़ काटने नहीं है, आप खुद बिल्कुल मत करना। ये मार्किंग करके एक अच्छे से मोची के पास ये जूते दे देना, जो अच्छे से क्लीनली शूज़ को अंदर से कट कर पाएंगे, और एक बार कट हो गए तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा। अगर आपके भी शूज़ पे होल है या आपको पता है कि ऐसे क्यों होता है तो मुझे बताओ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे आपके स्टोरीज पे शेयर करना, मुझे टैग करना। अजीबोगरीब गेम है ना हमारा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना और आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताओ। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करना और अगले हफ्ते मिलते हैं। हर हफ्ते वीडियोस आते रहेंगे। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एन्जॉय योर क्रिकेट।